में आएगी आपको। एग्जाम्पल 6.2, प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, पार्टिकल ऑन दिस स्ट्रिंग टेक्स 4 मिली सेकेंड टू मूव फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन टू वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजिशन। कहने का मतलब, कहने का मतलब, जी सर जी बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। तो कहने का मतलब मेन पोजीशन से, मिस्टर रियान, पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग टेक्स 4 मिली सेकेंड टू मूव फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन टू वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। कहने का मतलब सर ये मेरी मेन पोजीशन और ये मेरी वेव होती है, मेन पोजीशन से यहां तक जाने का जो मेरा टाइम है वो है 4 मिली सेकेंड। रियान जी समझ नहीं आया? समझा सर। ओके अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, इससे क्या चीज आप कैप्चर करते हैं, इसे कैप्चर ये करते हैं सर, देखिए नहीं समझ आए तो मेरे से पूछिए दोबारा। देखिए ये जब यहां से लेके ये जो पूरा वेव निकला होगा इस पोजीशन से, तो ये पार्टिकल यहां ऊपर गया होगा, फिर ऐसे नीचे गया होगा और फिर यहां वापस आ गया होगा। अरे हाँ जी, मेरी बात समझ नहीं आई। समझा सर। अरे दादा, लेट अस हमारी बोट को फिर से ले आते हैं। ये अगर हमारी बोट यहाँ पड़ी हुई है, तो ये जो वाटर वेव जब इस साइड से निकली, राइट साइड से जब निकली, तो हमारी वाटर वेव का 1 लैम्डा में ये बोट ऊपर गई, फिर यहां तक नीचे आई और फिर यहां पर पहुंच गई। सर मेरी बात समझ आई? यस। अब मैं एक और बात बोलता हूं सर, ये यहां से लेके यहां तक टी टाइम में गई होगी, जो कि टाइम पीरियड ऑफ द वेव है। नहीं समझ रहा? समझो सर। तो ये जो आपकी बोट यहां से यहां गई है 4 मिली सेकेंड में, कहां? मेन से एक्सट्रीम पोजीशन 4 मिली सेकेंड। 4 मिली सेकेंड में नीचे आई है, फिर 4 मिली सेकेंड में सबसे नीचे पहुंची और 4 मिली सेकेंड में यहां पर ऊपर पहुंची। तो इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 16 मिली सेकेंड। अरे हाँ जी, कंफ्यूज हो गए आप? नहीं सर, समझा। मेरी बात समझ आई? वो थोड़ा सा उसने जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी छुपा के दी है उसने, वो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये जो आपको बोल रहा है, पार्टिकल ऑन दिस स्ट्रिंग टेक्स 4 मिली सेकेंड टू मूव फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन टू वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजिशन, आपको ये कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक 4 मिली सेकेंड है। तो अब आपको ये पकड़ना पड़ेगा, दिस एम्प्लाइज जो टाइम पीरियड है वो 16 मिली सेकेंड है। तो इस लाइन से ये इंफॉर्मेशन आ गई। फिर वो बोलता है The distance between two consecutive points on the string which are at their main positions. अब इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए सर। ये वाला पार्टिकल और ये वाला, देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट कंसेक्टिव पॉइंट्स है और दोनों ही पॉइंट जो है वो मेन पोजिशन पे है। अरे हाँ जी, समझ नहीं आया? समझा सर। ये जो डिस्टेंस बताया जा रहा है, ये 2 सेंटीमीटर बताया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक जो 1 लैम्डा जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। नहीं समझ में आया ऐसा? समझो। तो रियान जी, उसने इनडायरेक्टली आपको ये बोला कि टाइम पीरियड है 16 मिलीसेकंड, जो लैम्डा है वो है 4 सेंटीमीटर। सर यहां तक समझ आ? जी सर। तो टाइम पीरियड अगर 16 मिलीसेकंड है तो जो फ्रीक्वेंसी है 1 अपॉन 16 होगी, मैं यूनिट्स में लिख रहा हूं यहां जान के। जो वी होगा वो वी इक्वल टू एफ लैम्डा के हिसाब से आप यहां एफ की वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ऐसे लिख लीजिए, लैम्डा बाई टी लिख लीजिए।
डायरेक्ट यहाँ लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए और यहाँ टाइम पीरियड की वैल्यू डाल दीजिए, तो वेलोसिटी आ जाएगी 1/4 सेंटीमीटर पर मिलीसेकंड। नहीं समझ में आया सर? समझा सर। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, ये बात समझ आए जी सर। उसमें और आपको परेशान करना होता तो आपसे ये भी पूछ लेता कि इसकी इक्वेशन लिख दो, अगर इनिशियल फेज एंगल जीरो है तो y इज इक्वल टू ए, हाँ फिर आप उसको एम्पलीट्यूड भी देना पड़ता, तो y इज इक्वल टू ए साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी के 2π/λ ओमेगा 2π f, ये वो आपको दे देता, तो आप इसकी इक्वेशन भी लिख पाते। क्या मुझे समझ नहीं आया? समझा सर। तो मान लो तो स्टोरी ये है मिस्टर राम कि ये सारे PDF मैं आपको दोबारा भेज रहा हूँ, इसको सॉल्व कीजिए, इसके सॉल्यूशंस भी आपको भेज रहा हूँ, वो भी सॉल्व कीजिए। बात समझ आए? ओके यस सर।